दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कैप्टन मिलर के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि फिल्म का बजट कितना है, फिल्म को कितने स्क्रीन में रिलीज किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है। इस फिल्म में धनुष लीड रोल में नजर आए हैं। उनके अलावा इस फिल्म में शिवा राजकुमार, सुदीप किशन, प्रियंका अरुल मोहन, अदिति बालन, एडवर्ड सोमने ब्लिक, जॉन कोकन और नसर भी नजर आए। इस फिल्म को अरुण मथेश्वरन ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म की कहानी और डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे। दोस्तों अगर बात करें स्क्रीन काउंट की, इस फिल्म को इंडिया में लगभग 1100 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया, तो ओवरसीज में लगभग 700 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया, यानी इस फिल्म को दुनिया भर में लगभग 1800 स्क्रीन के साथ रिलीज किया गया। बात करें बजट की, तो इस फिल्म का बजट तकरीबन 60 करोड़ है। वहीं बात करें ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की, तो इस फिल्म की मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी लगभग 40% नजर आई है, तो आफ्टरनून शोज की ऑक्यूपेंसी लगभग 43% दिखी है, इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी 55% दिखाई दी है और नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी 60% से भी ज्यादा दिख रही है। तो दोस्तों ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के हिसाब से ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया में लगभग 10 से 12 करोड़ के रेंज में नेट कलेक्शन करने वाली है, तो लगभग 17 से 20 करोड़ के रेंज में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली है। तो दोस्तों अगर आपने फिल्म देख लिया तो कमेंट करके बताइएगा आपको फिल्म कैसी लगी, और अगर आपने नहीं देखा तो क्या आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं, ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।